दूसरा लगाएगा। देखिए जूम करके दिखाइए, एक ओवर डाल दिया गया है और दूसरा यहाँ छोड़ेंगे। देखिए किस प्रकार से छोड़ना, वहाँ देखिए गुना हुआ और इनको यहाँ ऑपरेटर बैठा है, देखिए चला रहा है, देखिए लगातार इनको छेद किया जा रहा है। एक ओवर डाल दिया और दूसरा फिर डाल रहा है, देखिए किस प्रकार से डालेंगे। और रास्ते में जो है हम दिखाएंगे स्क्रीन पे, इसके बीच में केवल जो डाला जाता है पाइप डाला जाता है, उनके बाद उसमें वायर डाला जाएगा। लगातार यहाँ से दाबते हैं, देखिए किस प्रकार से यहाँ पर इनको दाबते हैं, तब जाकर देखिए किस प्रकार से आते हैं। देखिए इधर से आया चापते हुए चापते हुआ, उल्टा घुमाएगा गुना खुल गया, उल्टा घुमाया गुना खुला, पानी निकलेगा, सारा काम पानी से होता है, पानी डालने के बाद ही जाता है अंदर। देख सकते हैं हमारे साथ वो ट्रैकर है जो कि इस चीज़ों को पता करते हैं, कहाँ तक ये पाइप पहुँचा है, कहाँ तक नहीं पहुँचा, जमीन में जो पाइप जाते हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं, नहीं पहुँचे हैं, सारा खेला इसके ऊपर है, यही बता सकते हैं कहाँ तक आया है। और ये भी नहीं, इनका तंत्र बता सकते हैं, मशीन, ये मशीन से पता करते हैं कि ये 200 मीटर दूरी तक जो जाते हैं आखिरकार कैसे जाते हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं। मिट्टी के ज़मीन में ऐसे तो आदमी को पता लगेगा नहीं, लेकिन ये मशीन जो है ये सब कुछ बताते हैं, भैया कहाँ आ चुके हैं हम, ये सब कुछ बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। अच्छा ये क्या क्या बताते हैं सर, ये क्या है आपके हाथ में जो मशीन है, दिखाइए इस मशीन को जूम करके, ये मशीन है जो सारा चीज़ बताते हैं। ये नमस्कार प्रणाम, आप लोग एयरटेल सिम को यूज करते हैं या जियो फोन जियो सिम को यूज करते हैं, कभी आज तक जानने का प्रयास किए हैं आखिरकार उसमें 5G जो सिम काम करते हैं कैसे करते हैं? सीधे आप देखते हैं भैया 5G पकड़े या ना पकड़े, लेकिन वो सिम का नेटवर्क कहां से आते हैं आज तक अगर नहीं जाने हैं तो जान लीजिए। आज हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हमारे क्षेत्र में किस प्रकार से 5G सिम का काम जोरदार से चालू हो चुके हैं, वो चीज दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो मशीन है 5G सिम का जो केबल है उनका बिछाने का काम चल रहा है जोरदार से। आइए हम दिखाते हैं 5G का सिम का जो केबल पाइप लगाया जा रहा है किस प्रकार से लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं लगातार ये पाइप डाल रहे हैं और इनके नीचे से पहले इनको जो क्या करते हैं सुराख किया जाता है, छेद किया जाता है, और छेद करने के बाद ये देखिए मशीन का जो पाइप चल रहा है इस पाइप से छेद किया जाता है और लगातार 100 मीटर 200 मीटर दूर तक जाता है और उनके बाद इनको निकाल दिया जाता है, इसमें केबल डाला जाता है। देखिए लगातार देखिए एक ओवर डाल दिया गया और दूसरा लगाएगा, देखिए जूम करके दिखाइए, एक ओवर डाल दिया गया है और दूसरा यहाँ छोड़ेंगे, देखिए किस प्रकार से छोड़ना, वहाँ देखिए गुना हुआ और इनको यहाँ ऑपरेटर बैठा है, देखिए चला रहा है, देखिए लगातार इनको छेद किया जा रहा है और इनको पूरा घुसाया जा रहा है, देखिए किस प्रकार से देखिए लगाया जाता है, देखिए सटाक सटाक से इसमें डाला जा रहा है और जो पाइप है इन पाइप को जमीन के नीचे में दिया जाता है, जमीन के नीचे में डाला जाता है क्योंकि जमीन के नीचे डालते हैं और 200-500 मीटर दूर तक पहुंचाते हैं, उनके बाद इसमें केबल को डाला जाता है। देखिए सबसे बड़ा जिम्मेवारी ड्राइवर का है जो ड्राइवर किस प्रकार से इनको घुसाते हैं फिर इनको डालते हैं आगे पीछे करते हैं, सब सिस्टम जो इस मशीन से किया जाता है और इनका ना कोई हैंडल होता है नहीं कुछ, बगैर हैंडल किस तरह काम होता है और कंप्यूटराइज है। देखिए एक ओवर डाल दिया और दूसरा फिर डाल रहा है, देखिए किस प्रकार से डालेंगे और रास्ते में जो है हम दिखाएंगे स्क्रीन पे, इसके बीच में केबल जो डाला जाता है पाइप डाला जाता है, उनके बाद उसमें वायर डाला जाएगा जो उनके बाद जो है इसमें 5G का लॉन्च किया जाएगा, एयरटेल का एयरटेल सिम जो है उनका 5G लॉन्च किया जाता है। ये ड्राइवर है जो ड्राइवर लगातार काम करता है। अच्छा सर ये आप जो है कितना दिन से काम करते हैं? 5 साल। 5 साल से। ये जो आप कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा ये जो है ये कौन सा सिम का काम हो रहा है, कौन सा सिम का? एयरटेल 5G। ये जो है कि ये कितना दूरी तक आप इसको लगाते हैं? 200 मीटर। 200 मीटर फिर आगे लगाते हैं? कितना देर में 200 मीटर का सुराख हो जाता है? अरे मिट्टी के ऊपर काम होता है। थोड़ा जोर से बोलिए। ये मिट्टी के ऊपर से काम होता है, मिट्टी को नाम आता था जल्दी हो जाता है। देखिए भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसमें एक और बड़ी बात है, इसमें पानी का जो इस्तेमाल किया जाता है, देखिए जब तक पानी नहीं डालेंगे तब तक ये सुराख नहीं हो पाएगा और पानी के साथ साथ इनको सुराख किया जाता है और मट्टी के जमीन में इसको धकला जाता है और देखिए सब काम यहाँ से हो रहा है, ये मशीन के द्वारा सटाक सटाक यहाँ पे रखल है,
देखिए ये पाइप है, सारे ट्रैक्टर पे लोड है, ये जितनी पाइप होगा इसमें सारा इस्तेमाल एक बार में किया जाता है, और पाइप इस्तेमाल करने के बाद सारा पाइप को जमीन के नीचे धकला जाता है, पूरा जमीन के नीचे में डाला जाता है, सारा स्टाफ लगल है काम कर रहे लगातार। ये वहाँ पे ड्राइवर है, जो ड्राइवर इसको जो है पकड़ के आगे पीछे गियर लगाते हैं, बाकी जो लेबर है सारा लगाते हैं, इसके बीच में धकलते हैं, उनके बाद ट्रक चापते हैं जो सुराख होता है, लेकिन ये घूमता है। ये देखिए ये घूमना शुरू हुआ और घूमते हुए जाते हैं, इसके नीचे सारा जाता है, और ये और दिखाते हैं जो कि इसके पीछे पाइप डालते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जूम करके दिखाइए, यहाँ पाइप देखिए किस प्रकार से देखने के लिए यहाँ बनाया गया है। लाइट नहीं जल रहा, लाइट जला लीजिए। देखिए जो ये है, नीचे पाइप दिख रहा होगा आपको, पाइप के जो नीचे से दिख रहा है बिल्कुल सीधा पाइप जाता है, देखिए घूम रहा है, देखिए वो नीचे घूम रहा है, वो लगातार ये 200 मीटर दूर तक जाएगा, और यहाँ से 200 मीटर सोचिए लंबी दूरी होता है, लेकिन एक जगह से 200 मीटर ज़्यादा दूरी सुराख करना और उनके बीच में पाइप डालना बहुत बड़ी बात है। ये कहीं ना कहीं सब सारा ये काम जो होता है ये मशीन के द्वारा होता है, आप देख सकते हैं सारा काम जो यहाँ पे मशीन द्वारा होता है, जो कि वहाँ से उसको धकला जाता है। देखिए सारा काम वहीं से होता है, आप देखिए इस प्रकार से वहाँ जो आप देख रहे हैं उधर से चापते हैं, वहाँ से प्रेशर बनता है, जो कि लिफ्ट द्वारा प्रेशर होता है, उस तरह से प्रेशर है वो, और प्रेशर वहाँ से दाबते हैं, तो देखिए उधर से दाबते हैं, उधर से दाबते ही साथ जैसे घुमा घुमा के दाबते हैं, वहीं से सारा काम कारनामा होता है, जो कि इधर को दाबते 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 इनको देखिए लगातार यहाँ से दाबते हैं, देखिए किस प्रकार से यहाँ पर इनको दाबते हैं, तब जाकर देखिए किस प्रकार से आते हैं, देखिए इधर से आया चापते हुए चापते हुआ उल्टा घुमाएगा, गुना खुल गया, उल्टा घुमाया गुना खुला, पानी निकलेगा, सारा काम पानी से होता है, पानी डालने के बाद ही जाता है अंदर ये देखिए इस प्रकार से यहाँ घूम रहा है, उधर से लेकर आ रहा है, देखिए उधर से जैसे वो इधर से इधर दाबते हैं घूमता है और यहाँ पे लगता है, और यहाँ से सीधा वो जमीन में जाता है, और ये जमीन में जितना भी है ये 200 मीटर दूर तक पहुँचाना पड़ता है, तो देखिए आ गया ये लास्ट हो गया। ये सब लिफ्ट का इस्तेमाल है, लिफ्ट द्वारा प्रेशर बनता है, और प्रेशर के साथ साथ ये सुराख होता है, जो कि 5G एयरटेल 5G केबल का इस्तेमाल किया जाएगा, जो हम लोग 5G नेटवर्क पकड़ते हैं। किस प्रकार से ये गियर लगता है यहाँ से, सारा ये जो है ड्राइवर के ऊपर है, वो सारा गियर वाला सिस्टम होता है, सारा इसमें ना कोई हैंडल नहीं कोई नहीं, देखिए किस प्रकार से वहाँ से हाथ से कर रहा है, देखिए यहाँ गियर लगता है आगे पीछे बैक गियर, और वहाँ से हिलाने वाला होता है, जैसे जैसे उसको घुमाना पड़ता है, जैसे बोल डाल इधर तब करते तब जाकर घुसता है, सारा ये ड्राइवर के ऊपर कमाल। आप देख सकते हैं इधर से सारा कारनामा, जो पानी वगैरह जाता है इधर से जाता है, ये सब का लिफ्ट है, और ये पानी टंकी है, जो उधर पानी टंकी का पानी का यूज किया जाता है, इधर से पानी निकलता है, देखिए ये पानी जाते हैं, मोटर लगल है, ये सारा कारनामा। देख सकते हैं हमारे साथ वो ट्रैकर है, जो कि इस चीज़ों को पता करते हैं, कहां तक ये पाइप पहुंचा है, कहां तक नहीं पहुंचा, ज़मीन में जो पाइप जाते हैं वो कहां तक पहुंचे हैं, नहीं पहुंचे हैं, सारा खेला इसके ऊपर है, यही बता सकते हैं कहां तक आया है, और ये भी नहीं इनका तंत्र बता सकते हैं, मशीन, ये मशीन से पता करते हैं कि ये 200 मीटर दूरी तक जो जाते हैं आखिरकार कैसे जाते हैं, कहां तक पहुंचे हैं। मिट्टी के ज़मीन में ऐसे तो आदमी को पता लगेगा नहीं, लेकिन ये मशीन जो है ये सब कुछ बताते हैं, भैया कहां आ चुके हैं हम, ये सब कुछ बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। अच्छा ये क्या क्या बताते हैं सर, ये क्या है आपके हाथ में जो मशीन है, दिखाइए इस मशीन को जूम करके, ये मशीन है जो सारा चीज़ बताते हैं, ये क्या है, इसका नाम क्या है? ये डिजिट्रैक है। डिजिट्रैक, इससे क्या क्या पता कर सकते हैं जमीन के नीचे? ये जमीन के अंदर जो हमारा पाइप जा रहा है ना, उसी को पता करते हैं, पता करते हैं कि कहाँ तक पहुँचा है, और जहाँ पे तक नहीं पहुँचा क्या कहते हैं? नहीं पहुँचता है तो ये इसका जो है वो छोड़ देता है, नहीं पकड़ता है, इंटरफेरेंस बताता है, जहाँ पे पकड़ ले तो वहाँ पे क्या बता देता है? वहाँ पे बताएगा कि यहाँ है मेरा पाइप, यहाँ तक आ चुका है। अच्छा ये जो है कि 200 मीटर कितना घंटे तक में पूरा कर लेते हैं आप? 200 मीटर जो है कम से कम 30 से 35 मिनट में करते हैं। 30 से 35 मिनट? अरे बाप रे बाप। आप लोगों कहानी सुने थे कुछ दिन पहले कि डाकू जो था अंदर अंदर सीन काट लेते थे, उनसे बड़ा डाकू इसका मशीन है, औजार है, अंदर अंदर सब कुछ कर लेता है, वही है ना? जी वही। अच्छा ये जो है कि आप कितने पाइप ज्वाइंट कर लेते, जो पाइप का ज्वाइंट जो है कितना है इसका? इसमें जो है 10 फीट का पाइप लगता है। कितना फुट आपके पास अवेलेबल कितना अभी? मेरे पास 250 मीटर का है। 250 मीटर तक का पाइप आपके पास है?
अच्छा, ये जो करवा रहे हैं कौन करवाते हैं, सरकार करवाते हैं कि कंपनी करवाते हैं? ये कंपनी वाले, एयरटेल वाले कंपनी करवाते हैं, एयरटेल वाले कंपनी करवाते हैं। अच्छा, ये जो है ये इससे कितना क्या क्या पकड़ सकते हैं, कौन कौन सा सिम पकड़ सकते हैं, कौन कौन इसमें मिक्स रहेगा? इससे जो है 5G का पैप हम लोग डाल रहे हैं, 5G यही पकड़ सकता है एयरटेल, 5G एयरटेल का। अच्छा, ये पूरा बिहार भर में ये काम चल रहा है? ये पूरा बिहार में भी चल रहा है। अच्छा, जो है कि एक चीज बताइए कि ये मशीन जो है, इस मशीन का क्या नाम है, ये क्या है, कहाँ से क्या क्या होता है? इस मशीन का नाम है ड्रिल टू। हाँ, ड्रिल होता है, ड्रिल किया जाता है, मतलब छेद किया जाता है। छेद किया जाता है। अच्छा, ये जो ड्रिल है ये क्या मतलब, जो कि एक पाइप को अंदर करने में कितना सेकंड लेता है? एक पाइप को अंदर करने में 2-3 सेकंड में हो जाता है। 3 सेकंड में 10 फुट कर देता है जी। सोचिए, अरे भैया ये क्या है, दोस्त यानी कि ये 10 मीटर का जो है, 10 मीटर का पाइप 3 सेकंड या 4 सेकंड बताए? हाँ, 3 से 4 सेकंड के अंदर। अच्छा, ये गियर बॉक्स है, सारा गियर इसमें यही से होता है, ये देखिए गियर बॉक्स है, यही से होता है सब कुछ, ये 4-6 लेबर है। अच्छा, इसको ले जाना कैसे पड़ता है, इसके पास हैंडल तो है नहीं? है, इसके पास पीछे है, यही लेबर है, यही लेबर से चलता है। चलता है। बाकी ये जो है, ये क्या है वहाँ पे जो है? ये है पुशिंग, इसी से पुश करता है। अच्छा, मतलब पुश जैसे कि आप लोग जैसे हथौड़ी मारते हैं ना, तब जो नीचे जाते हैं, इसका हथौड़ी वही है, पुश करने है, गड़ारी है इसमें लगा हुआ, वहाँ से दाबते हैं तो नीचे नीचे घुसता है। बताइए, आप लोग यूं ही नहीं कह दीजिए मेरा 5G नहीं पकड़ रहा, कितना इन लोगों को पापड़ बेलना पड़ रहा, कितना मेहनत करता है, उनके बाद इन लोगों का एक 5G का नेटवर्क पकड़ते हैं, फिर भी आप लोग, हाँ हालांकि क्यों नहीं चाहेंगे, जब सुविधा बेहतर होना चाहिए, पैसा लगाते तो क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन सर इस दिशा में कंपनी अच्छी तरह से काम कर रहा है जी, कंपनी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। अच्छा, आप लोग कितना दिन से इस फील्ड में काम कर रहे हैं? हम लोग यहाँ इस फील्ड में लमसम बहुत दिन से कर रहे हैं। अभी आप लोग कहाँ कहाँ से कर चुके हैं? अभी रानीगंज से करते हुए, रानीगंज से अभी कौन कौन राज्य में कर चुके हैं? अभी रानीगंज से आगे जो गांव है कौन सा, फर्स्ट इधर कर रहे हैं कि और भी कोई राज्य में किए, जैसे कि यूपी, बिहार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, दूर हम किए। अच्छा, क्या बोलते हैं, पंजाब में भी किया, हरियाणा में भी, गुजरात में, इसी कंपनी में, महाराष्ट्र में भी, नहीं दूसरा कंपनी होता है। अच्छा, तो आप जो है कि आप जो अभी कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो बिहार के, किस जिला के? अररिया जिला के। अच्छा, आप प्रॉपर आपका घर यही है? चलिए, अररिया में ही ये काम हो रहा है, ये अररिया के ही रहने वाले हैं भाई। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर और उनके बाद सारा सच्चाई आपको बताया कि किस प्रकार से ये काम किया जाता है। तो ये जो है कि इतना प्रेशर जो बनता है, इतना धकलना पड़ता है, पीछे क्यों नहीं जाता ये मशीन? पीछे नहीं जाता, इसमें गुल्ला लगा हुआ है। अच्छा, दिखाइए, इधर देखिए, ये गुल्ला है जो कि इस पे रख करके इसको, क्या है, उस साइड भी गुल्ला है, इस साइड भी है। अच्छा, इनको नीचे जमीन में धसा दिए हैं, ये घिसकने नहीं देता इसको आगे। अच्छा, की तरफ कितना भी पुश करते हैं उसके बाद पीछा नहीं जाते हैं? नहीं जाता है। देखिए भैया, ये जो है कि ये सारा खेला होता है यहीं से, और देखिए ये जो वहाँ से पुश करता है, जो इस प्रकार से इसको चापते, जैसे हथौड़ी मारते हैं उस प्रकार से पुश करते हैं, और इसके बाद ये नीचे जाते हैं, और यहाँ से 200 मीटर मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, 200 मीटर दूरी ये पाइप जाता है, देख करके बहुत अच्छा लगा। आप लोग यूं मत कह दीजिए कि 5G सिम मेरा नहीं पकड़ रहा है, लेकिन मेहनत तो इनके पीछे इन लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, कंपनी चाहते हैं हमेशा आप लोगों को बेहतर आपको नेटवर्क मिले, उस दिशा में लगातार बिहार सरकार में और इस कंपनी लगातार काम कर रहे हैं। बहुत जल्द आप लोगों का जो प्रॉब्लम है 5G सिम का, जो नेटवर्क पकड़ने में विलम्ब हो रहा है, इस चीज़ों को दूर किया जाएगा। लगातार ये भैया लोग जिसे परेशानी जो उठा रहे हैं, आप लोगों के सहयोग में काम कर रहे हैं, इसके कंपनी काम कर रहे हैं। बहुत बधाई आपका कंपनी को जो लगातार इस तरीका से काम कर रहे हैं, और आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।